नमस्कार। क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं दिसंबर महीने के इस अंक में। शुरुआत करते हैं राइट रेवरेंड बिशप पीटर परापुलिल के जन्म दिवस के साथ, जो कि उन्होंने 2 दिसंबर को बीएचएल और बबीना पैरिश में भी मनाया। दिसंबर के महीने में विभिन्न स्कूलों में वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किए गए थे। 3 दिसंबर को अरुणोदय स्कूल बूढ़ा गांव में तथा पारिछा सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में, 7 दिसंबर को शांति धाम अत्तरा में, 9 दिसंबर को सेंट मेरीज गुड़सराय में, 13 दिसंबर को सेंट जेवियर सिमरावरी में, 14 दिसंबर को कैथेड्रल कॉलेज में, 16 दिसंबर को सेंट जेवियर स्कूल बीएचएल में, 19 दिसंबर को सेंट जोसेफ बास स्कूल तालबेट में, 21 दिसंबर को होली क्रॉस पनवाड़ी में तथा 22 दिसंबर को जीसस एंड मेरी मिशन मडावरा में वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किए गए थे। राइट रेवरेंड बिशप पीटर परापुलिल द्वारा 10 दिसंबर को साफा गांव में नए मिशन की स्थापना के लिए नींव रखी गई। 15 दिसंबर को सेंट पीटर्स तालबेहट में लेटी कमीशन का उद्घाटन किया गया। उसी अवसर पर राइट रेवरेंड बिशप पीटर परापुलिल द्वारा दृढ़ीकरण संस्कार भी दिया गया। लेटी कमीशन के सदस्यों ने 16 दिसंबर को डायसीशन पास्टल सेंटर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। 16 दिसंबर शाम को श्राइन कैंपस में सार्वजनिक कैरल सिंगिंग का आयोजन किया गया। झांसी डायसिस की सभी पल्ली में क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैरल्स के साथ यूक्रिस्टिक समारोह का आयोजन किया गया। सेंट जूड श्राइन के प्रसिद्ध चर्च में बहुत से लोग क्रिप देखने, मोमबत्तियां जलाने और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। दोपहर के समय भंडारी की व्यवस्था श्राइन परिसर में की गई और बिशप्स हाउस हॉल में वीआईपी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। क्रिसमस ट्री समारोह 28 दिसंबर को सेंट जॉन्स माइनर सेमिनरी में आयोजित किया गया था। कई पैरिशेज में 30 दिसंबर को क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन आयोजित किए गए थे। दिसंबर के इस अंक के लिए इतना ही। अगले अंक में और अगले साल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय यीशु की।